वीडियो शुरू होने से पहले ही बिरला मंदिर में लगे फाउंडेशन पत्थर का फोटो रूपी सबूत आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ताकि किसी भाई के मन में कोई संदेह ना रहे कि ये वीडियो झूठ की दुकान है। अब मुद्दे की बात, श्री लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर, इस मंदिर का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। हो सकता है कि आप लोगों में से कोई ना कोई यहाँ गया भी हो। यह मंदिर भारत की स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में बना पहला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर था। मंदिर का निर्माण कार्य 1933 से प्रारंभ होकर 1939 तक चला, और जब ये बन गया तो इसका उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया। लेकिन इसकी नींव कब, कैसे और किन शर्तों पर रखी गई थी, ये बात आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। जाटों की एक प्रसिद्ध रियासत है धौलपुर, जहाँ के एक जाट महाराजा उदय भान सिंह जी राणा हुए हैं। महाराजा उदय भान सिंह जी राणा का जन्म 1901 में तथा शरीर 1954 को पूरा हुआ। इनके पिताजी का नाम महाराजा निहाल सिंह राणा था। दिल्ली के बिरला मंदिर के शिलान्यास पे भारत के सभी राजाओं को बुलाया गया। इस सभा की अध्यक्षता हिंदू विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने की तथा स्टेज का संचालन पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। नींव कौन रखेगा कहीं इस बात को लेकर सारे राजा लड़ना पड़े, इसलिए कुलपति ने यह 5 शर्तें रखी कि जो भी राजा महाराजा इन 5 शर्तों को पूरी करता है वह इस मंदिर की नींव अर्थात शिलान्यास करेगा। यदि पूरे भारतवर्ष का एक भी राजा महाराजा इन 5 शर्तों को पूरी नहीं करता तो इस मंदिर का शिलान्यास नहीं होगा। श्री मालवीय जी ने कहा, मैं आपको इस कार्य के लिए 2 घंटे का समय देता हूँ। ऐसा कौन सा राज्य या राजा है जो इन शर्तों को पूरा कर सके, और वो शर्तें इस प्रकार थी। 1, जिसके दरबार में वेश्याओं का नाच ना होता हो। 2, जिसका वंश उच्च कोटि का तथा चरित्र आदर्श हो। 3, जो शराब तथा मांस का प्रयोग ना करता हो। 4, जिसने 1 से अधिक विवाह ना किए हो। 5, जिसके वंश ने मुगलों को अपनी बहन बेटियों के डोले ना दिए हो। यह सुनकर सब जगह सन्नाटा छा गया तथा सभी बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के चेहरे शर्म के मारे नीचे झुक गए। तब पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक राजा का चुनाव किया। वह राजा कोई और नहीं बल्कि धौलपुर के जाट नरेश उदय भान सिंह जी राणा थे। हिंदुस्तान के अनेकों राजाओं में एकमात्र जाट नरेश ने यह 5 शर्तें पूरी की थी। बाकी के जितने भी राजा थे सारे के सारे इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाए। बहुत से राजाओं ने अपनी रियासत बचाने के लिए अपनी बहन बेटियां मुगलों को देकर सुरक्षित रखी, लेकिन जाट सूरवीरों ने कभी भी इस उच्च कार्य को नहीं किया, बेशक उनकी गर्दनें कट गई हों। हिंदुस्तान के सभी राजाओं में आपके उच्च आदर्शों के कारण ही सन 1932 में बिरला मंदिर की नींव आपके हाथों से रखवाई गई, जो आप स्क्रीनशॉट में वहां के पत्थर पे लिखी बातों से पढ़ सकते हैं। मैं राजा जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने राज्य के गरीब व मजलूम लोगों की हमेशा सेवा करने में ही अपना धर्म समझा। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।